देश में तेजी से मिड साइज एसयूवी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, साथ ही कंपनी अपनी कारों को नेक्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के साथ लॉन्च कर रही है। तो आज हम बात करेंगे हुंडई क्रेटा 2020 और सेल्टॉस की। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और टेक्नो फैक्ट्स में मैं हूं आपके साथ अनीश शेखर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के पावर और स्पेसिफिकेशन की। तो हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस दोनों में ही आपको तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुंडई क्रेटा की। क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं दूसरा इंजन आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन में मिलता है, वहीं तीसरा आपको 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है। तो वहीं किया सेल्टॉस की बात करें तो किया सेल्टॉस में आपको 1497 सीसी का टर्बो इंजन दिया गया है, जो कि 6300 रोटेशन पर मिनट पर 115 पीएस पावर के साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा 1353 सीसी पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 6000 रोटेशन पर मिनट पर 140 पीएस की पावर के साथ 242 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट करता है। वहीं तीसरा 1493 सीसी का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 4000 आरपीएम पर 115 पीएस पावर के साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के ट्रांसमिशन की। हुंडई क्रेटा में सेकेंड जनरेशन का इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। ट्रांसमिशन के मामले में किया सेल्टॉस 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड डीटीसी ऑप्शन में आता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की। क्रेटा में 400 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि किया सेल्टॉस में सबसे ज़्यादा 433 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। हुंडई क्रेटा की ऊंचाई के मामले में सबसे टॉप पर है और पूरे के पूरे सेगमेंट में ये सबसे हाईएस्ट है, जबकि लंबाई और चौड़ाई के मामले में ये सबसे छोटी साबित होती है। वहीं सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी में से हुंडई क्रेटा सबसे ज़्यादा लेगरूम देती है। न्यू रूम के मामले में क्रेटा अन्य कारों की तुलना में सबसे प्रभावशाली साबित होती है। इतना ही नहीं बल्कि क्रेटा के कैबिन की चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा है। वहीं हुंडई क्रेटा की फ्रंट सीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबसे अधिक रखी गई है। तो हुंडई क्रेटा के सेकेंड जनरेशन में बूमरैंग एलईडी, नई एलईडी हेडलैम्प्स, लेटेस्ट हुंडई कास्कडिंग ग्रिल डिज़ाइन, नई स्प्लिट टेल लैम्प और 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वहीं किया सेल्टॉस में एयरबैग, वीएसपी एंटी लॉकिंग सिस्टम, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम एड ऑन किए गए हैं। वहीं अब आखिर में बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कीमत की। दोनों ही गाड़ियों की कीमत काफ़ी हद तक बराबर है। किया सेल्टॉस की शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जो कि 15.99 लाख रुपये तक जाती है। वहीं हुंडई क्रेटा की अगर बात करें तो हुंडई क्रेटा की कीमत 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 15.67 लाख रुपए तक जाती है। सो इसी तरह की ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खबरों के लिए स्टे ट्यून विद द फैक्ट इंडिया एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।